फाइनली आप लोग के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वन यूआई कस्टमाइजेशन की वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग अपने वन यूआई को iOS 15 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास जो डिवाइस है ये है सैमसंग गैलेक्सी M21। इसके अंदर आपको वन यूआई 3.1 देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 11 पे रन कर रहा है। एंड इस वक्त देखेंगे तो मैंने अपने फोन को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर रखा है iOS 15 जैसा लुक में, एंड उसके कुछ अमेजिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के साथ साथ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, वरना जो ये कस्टमाइजेशन है आपके फोन में प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें विदाउट स्किप करें, एंड ये पूरी वीडियो iOS 15 के कस्टमाइजेशन के ऊपर होने वाली है। तो फटाफट चलते हैं टाइम में रिवर्स एंड जानते हैं मैंने अपने फोन को कस्टमाइज कैसे करा। तो जो iOS 15 के कस्टमाइजेशन हम करने वाले हैं वो एक प्रीमियम लुकिंग कस्टमाइजेशन है, लेकिन जो भी एप्स उसके लिए रिक्वायर्ड है वो सभी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं प्ले स्टोर से। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि उन सभी एप्स में आपको थोड़ी सी एड्स वगैरह देखने को मिलेगी, तो उनके साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए बस आपको एक सिंगल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड उसका नेम आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका नाम है iOS 15 लॉन्चर, एज यू कैन सी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको जाके आप लोग को प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना है। देन इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा, एंड हो सके तो आपको एक छोटी सी एड भी देखने को मिल सकती है। तो इसको हम लोकेशन के एक्सेस नहीं देने वाले हैं। देन यहाँ पे देखेंगे ऊपर की साइड लॉक स्क्रीन एंड कंट्रोल सेंटर, तो हमें लॉक स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करना है, कंट्रोल सेंटर पे टैप करना है। इसको क्लोज एड आ गया जैसे कि मैंने बताया था, एंड आप लोग को बोलेगा डाउनलोड करने को, देन ओके। सेकेंड ऐप आपको ऐप के अंदर से ही डाउनलोड हो जाएगी, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ पे हमने दो एप्स इंस्टॉल कर लिया, एक iOS 15 लॉन्चर एंड दूसरी इसके अंदर जाके कंट्रोल सेंटर वाली एप्लीकेशन। दोनों आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन मेरे फोन में इंस्टॉल हो चुकी है, iOS 15 एंड दूसरी कंट्रोल सेंटर। अब सिंपली iOS 15 वाली पे टैप करना है, एंड नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा मेक डिफॉल्ट लॉन्चर, इस पे टैप करना है एंड ओके। तो यहाँ से आपको लॉन्चर चूज करना है होम ऐप के लिए, तो हम चूज करेंगे iOS 15। तो आपका फोन है यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है खुद को एडजस्ट करने में, होम पेजेस वगैरह क्रिएट करने में। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी वगैरह क्रिएट हो चुकी है, ऐप लाइब्रेरी वगैरह। यहाँ पे देखेंगे iOS 15 का जो ऐप आइकन पैक है वो आपके फोन में इंस्टॉल हो चुका है, एंड यहाँ पे जो इसमें आपको ऐप लाइब्रेरी देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। एंड किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग प्रेस करके उसका ऐप इन्फो वगैरह देखेंगे तो बैकग्राउंड काफी ज्यादा बढ़िया ब्लर हो जाता है, एक तरीके से आपको यहाँ पे 3D टच इफेक्ट देखने को मिलता है, तो काफी बढ़िया है। देन आपको अपने होम स्क्रीन पे यहाँ पे प्रेस करके रखना है तो सारे ऐप्स यहाँ पे सेक होने लग जाएंगे। देन आप लोग जो भी ऐप उसको मूव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन को रखना चाहता हूँ, सिंपली गैलरी को इस पे टैप करूंगा एंड यहाँ पे स्लाइड कर दूंगा, एंड देन डन। वैसे अगर आप लोग ट्राई करेंगे किसी एप्लीकेशन को मूव करने की, देन आप लोग नहीं कर पाएंगे। पहले आपको एम्प्टी स्पेस में टैप करके रखना है, देन आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे मूव कर पाएंगे, एज यू कैन सी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। देन अब बात आती है विडजेट्स की, इसमें आपको iOS 15 में विडजेट काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिलते हैं। उसके लिए सिंपली ऊपर की साइड आपको प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, देन यहाँ पे आपको तीन विडजेट तो पहले ही देखने को मिल जाएंगे, बाकी आप लोग इन सभी एप्स के विडजेट वगैरह खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बैटरी का विडजेट रख लेता हूँ, क्रिएट। तो देखेंगे आपके फोन की जो बैटरी परसेंटेज है अब आपको होम स्क्रीन पे शो करेगा। एक क्लॉक का भी विडजेट रख लेता हूँ, क्लॉक में हमें चाहिए डिजिटल क्लॉक, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल क्लॉक सेलेक्ट कर लिया, एंड इसका आप लोग बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव। तो यहाँ पे जो विडजेट है अपने यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी स्पेस के अकॉर्डिंग, एंड ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। देन अब बारी आती है कि अपने कंट्रोल सेंटर को कैसे एक्टिवेट करें। तो उसके लिए वापस आपको iOS 15 वाला लॉन्चर का जो एप्लीकेशन था उसको ओपन करना है। देन आपको जाना है यहाँ कंट्रोल सेंटर पे, एक सुपर ऐप है जो मेरे, तो वापस एक छोटी सी ऐड आ गई यहाँ पे, तो इसको सभी परमिशन दे देने, आपको जो कंट्रोल सेंटर परमिशन वगैरह मांगेगा सभी आपको अलाउ कर देना है। देन यहाँ पे आपको इसका जो साइज है, कलर है, पोजीशन आप लोग यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। पहले हम साइज देखते हैं, यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर का आपको इफेक्ट देखने को मिले, एच पैनल की तरह ये स्लाइड रही है, इसका कलर आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो एंड यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ से आप लोग इसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो मुझे चाहिए लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मूव हो गया। इससे साइज वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा साइज में चाहिए,
एंड इसको अपने फिंगर से उठा के भी रख सकते हैं, तो मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, देन ओके। तो यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड है कंट्रोल सेंटर का, इसको मैंने कर दिया करंट वॉलपेपर, तो जो भी मेरा वॉलपेपर है उसके हिसाब से जो कंट्रोल सेंटर का बैकग्राउंड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, तो हल्का सा एक दो बार लैग करेगा, फिक्स हो जाएगा जैसे दो बार तीन बार ट्राई करेंगे आप लोग। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये कंट्रोल सेंटर है, ये ओपन होगा, देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है म्यूजिक कंट्रोल, तो यहाँ से आप लोग म्यूजिक कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं, म्यूजिक लेआउट चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ से डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक होल म्यूजिक इसको चूज कर देता हूँ, एंड म्यूजिक लेआउट ओके। आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी शो करेगा, कंट्रोल सेंटर को अलाउ कर दिया यहाँ पे। इसके नीचे आपको मिलता है कस्टमाइज कंट्रोल, तो बेसिकली इस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन टॉगल आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलेंगे। काफी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं रिकॉर्ड सेटअप का, तो इसका यूज करके बेसिकली आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्डर, एज यू कैन सी नीचे की साइड, इस पे टैप करके आप लोग अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह ऑन कर सकते हैं। ये लॉन्चर के अंदर ही इनबिल्ट आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं रिकॉर्ड सेटअप पे क्लिक करके, रेजोल्यूशन वगैरह चूज कर सकते हैं, फ्रेम रेट, बिट रेट्स, ऑडियो भी चूज कर सकते हैं कि रिकॉर्ड विद ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करना है या फिर नहीं करना है। तो ये लॉन्चर आपको काफी सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, एंड अगर आप लोग इसमें बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग लोकेशन के परमिशन वगैरह अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे आपको वेदर देखने को मिलेगा अपने सिटी का, कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आपको ऐप लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, कोई सी भी एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि यूट्यूब पे क्लिक करके यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। तो काफी सारे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड इसमें एक छोटी सी और प्रॉब्लम है कि अगर मैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पे रह के रिसेंट ऐप ओपन करना चाहूँ तो ओपन नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको कोई सा भी एप्लीकेशन आपके फोन में ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग रिसेंट ऐप ट्राई करेंगे ओपन करने की, तब ओपन हो पाएगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम ये देखने को मिल जाती है, अदरवाइज जो कस्टमाइजेशन है परफेक्ट वर्क करता है सैमसंग के डिवाइसेज में। अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money.